बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज में ये जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आपके पास डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं एंड कीटोन्स हैं, यू हैव टू अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। ठीक है, वो कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर करते हो, ये आपके पास बेटे एल्डिहाइड है, देन वन फॉर्मेल्डिहाइड भी है, देन मान लो कीटोन है, देन कीटोन में एक और कार्बन बढ़ा दिया आपने। देखो एल्डिहाइड कीटोन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इस केस में कहाँ अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर। ये कार्बन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कार्बन से। ठीक है जी, कार्बन से बेटे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देगा, तो आपकी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे प्रॉपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये पार्शियल है। ठीक है जी, फिर यहाँ पे आके इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देता है। अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने अरेंज करना होगा, अगर इजी वाला क्वेश्चन आए तो अरेंज करना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपने याद रखना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो रिएक्टिव होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड रिएक्टिव होते हैं, फिर कीटोन्स। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड के पास एक ही प्लस आर वाला प्लस आई वाला ग्रुप है, प्लस आई वाला ग्रुप क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन दे। अब जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो कार्बन के ऊपर बेटे इलेक्ट्रॉन बहुत डेंसिटी बढ़ा देगा। अगर कार्बन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आगे न्यूक्लियोफाइल आके इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितनी कार्बन इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा वो कम रिएक्टिव हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। ठीक है, या हमेशा रिमेम्बर करना है, जो एल्डिहाइड है दे आर मच मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। व्हेन देयर इज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑन दिस कार्बोनाइल, इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ऑन दिस कार्बोनाइल ग्रुप इंक्रीजेस, एंड दस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एज बेटर इट कैन अटैक इन केस ऑफ एल्डिहाइड। गॉट इट? सो अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाए, तो पहले आपने देखना है कि एल्डिहाइड जितने हैं और जिनमें सबसे कम कार्बन है, जितने कम कार्बन होंगे उनको आपने मोर रिएक्टिव में अरेंज करना है, और जितने ज्यादा होंगे उतने आपने कम रिएक्टिव की तरफ अरेंज करना है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे बेटे। तो जस्ट मैं एनसीईआरटी में देखूँ आपकी, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम इन टेक्स्ट बुक, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आपको इथेनल है, प्रोपेनल है जो मैंने बनाया है, ठीक है, ये इथेनल है, बीच में यहाँ पे प्रोपेनल है, देन देयर इज प्रोपेनॉन और देयर इज ब्यूटेन। सबसे ज्यादा इथेनल हो गया। अच्छा, इन्होंने एरोमेटिक भी लिए हैं, तो एरोमेटिक में लिए हैं बेटे बेंजेल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड ये होते हैं, दिस इज बेंजाल्डिहाइड। नेक्स्ट लिया है पैरा टोलाल्डिहाइड, दिस इज टोलुइन, और टोलुइन के पैरा या CHO के पैरा पोजीशन पे CH3 होना। ठीक है, फिर पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तो ये हो गया बेटे पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है,
और उसके बाद लिखा हुआ है एसिटोफिनोन, इसे कहते हैं एसिटोफिनोन। ठीक है, अब इसको आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें कीटोन कौन सा नजर आ रहा है, सिर्फ एसिटोफिनोन, कीटोन एसिटोफिनोन वी आर सेइंग। सबसे कम जो रिएक्टिव है एसिटोफिनोन, यहाँ पे भी आर ग्रुप है और यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है, तो ये सबसे कम रिएक्टिव हो गया। ठीक है, ये कब सबसे कम। उसके बाद हम डिफरेंट एल्डिहाइड देखे बेटे, एक एल्डिहाइड बिल्कुल ऐसे है जैसे बेंजाल्डिहाइड है, ये सी एच थ्री ग्रुप का प्लस आर और प्लस आई प्लस आर और प्लस आई दोनों होते हैं और इसका माइनस आर माइनस आई है। ठीक है जी, एनओ टू का माइनस आर, माइनस आर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेटे बेंजीन रिंग से, वो माइनस आर माइनस आई है, आई इंडक्टिव फैक्टर होता है। देखो जो याद रखना आपने, जो एल्डिहाइड को इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई करेगा, उसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं जाने देगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो चीज है जिसके पास अपने खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसने आके तभी अटैक करना है जब दूसरे के पास डेफिशिएंसी हो। तो पहली पोजीशन में हमने ये कहा कि ये सबसे कम रिएक्टिव है, उसके बाद ये जो सी एच थ्री लगा है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, फिर ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये तो वो वाला सी एच थ्री देखो डायरेक्टली अटैच था तो वो कीटोन बना हुआ था, अब ये सी एच थ्री पैरा पोजिशन पे अटैक है, ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सेकेंड नंबर पे जो कम रिएक्टिव होगा, ये सबसे कम है, उससे ज्यादा रिएक्टिव ये हो जाएगा। फिर थर्ड आ जाएगा बेटे बेंजाल्डिहाइड, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ, तो बेंजाल्डिहाइड विल कम टू द थर्ड नंबर और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा नाइट्रो नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। देखो अब एनसीईआरटी में भी आप देख रहे हो बेटे, दे आर नॉट गिविंग यू स्ट्रक्चर, दे आर गिविंग यू ओनली द नेम्स, तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में नेम्स है उनको आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है जी, ओके अब ऐसा अगर एक और क्वेश्चन हो तो नहीं। अच्छा अब आ जाओ बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने समझानी है विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, तो आप निकाल सकते हो बेटे सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, और हम जरा एनसीईआरटी भी हो जाएगी और साथ साथ आपकी रिएक्शंस भी हो जाएंगी। ठीक है जी, तो सिक्स क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटे प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, तो बेटे साइक्लोहेक्सेन This is cyclohexane carbaldehyde, ठीक है। अब कह रहे हैं जी इसको आपने pH MgBr and then hydrolyze करवाना है H3O positive से, ठीक है जी। तो बेटे pH MgBr, पीएच क्या होता है बेटे फिनाइल, ठीक है, ये क्या चीज है गिग्नाल्ड रिएजेंट है, दिस इज गिग्नाल्ड रिएजेंट। ठीक, अब गिग्नाल्ड रिएजेंट एल्डिहाइड के ग्रुप के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये जो पीएच है इसमें जो पीएच है वो नेगेटिव है, एमजीबीआर पॉजिटिव है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है जो यहाँ अटैक कर रहा है और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है जी बेटे, तो सॉरी बेंजीन में कार्बोल्डिहाइड है,
उसके बाद दे आर राइटिंग H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव क्या करेगा, ये इसको हाइड्रोलाइज करेगा। हाइड्रोलाइज का मतलब है वाटर देके तोड़ना। तो वाटर कैसे देते हैं, यहां से आपका टूटेगा और इसको OH मिलेगा, इसको H मिलेगा, तो आपके पास अल्कोहल्स बन जाते हैं। ठीक है जी, अब ये देखो हमने क्या किया बेटे, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाए, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाए या कीटोन से अल्कोहल बनाना। ठीक है, एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से अल्कोहल, या तो बेटे एल्डिहाइड की रिडक्शन करके बनते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, कीटोन के लिए भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या कुछ। तो जब एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहे हो, जब एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहे हो और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो रहा हो, जैसे कि मान लो मेरे पास बेंजाल्डिहाइड है और आई एम फॉर्मिंग इथेनॉल, तो मुझे कुछ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत है। ठीक है, मगर यही एल्डिहाइड से अल्कोहल बन रहे हो तो कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हो, तो जितने कार्बन एटम इंक्रीज हुए हैं वो आप गिग्नाल रिएजेंट की फॉर्म में दोगे। इस MgBr के साथ जितने कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे होंगे उतने कार्बन यहां लगा दो। ठीक है जी, ओके बेटे, तो आपने ध्यान रखना है अगर कोई कन्वर्जन में एल्डिहाइड से अल्कोहल या कीटोन से अल्कोहल बन रहे हो, या तो आप उसको रिड्यूस करोगे, रिडक्शन करने के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करोगे, तो आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनेंगे, और अगर आपके कार्बन एटम कहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने बीच में गिग्नाल रिएजेंट डाला है, और ये अल्कोहल फिनॉल्स में भी किया हुआ है आपने। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन दिखाई हुई है बेटे टॉलन रिएजेंट। ठीक है, टॉलन्स रिएजेंट, टॉलन्स रिएजेंट आप जब ऑर्गेनिक ग्रुप एनालिसिस करते हो तब भी यूज होता है। ठीक है जी, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है, इसमें हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, इसको एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करते हो इसमें। ठीक, तो ये टेस्ट है, राइट डाउन, दिस इज अ टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ये कीटोन नहीं देते, कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। अगर एल्डिहाइड और कीटोन को कोई डिफरेंस आ जाए, अगर डिस्टिंग्विश टेस्ट आ जाए, तो बेटे यू विल राइट टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है जी, टॉलरेंस टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते, रिमेम्बर। अब जो टॉलरेंस टेस्ट है उसमें हम लेते क्या है, दिस इज कॉल्ड अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करते हो तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है जी, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है बेटे, जिसे हम टॉलरेंस रिएजेंट कहते हैं। इस रिएजेंट ने क्या करना होता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करवाना होता है। अब आपको पता है जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो आपको एसिड मिलते हैं। अब क्योंकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है, तो जो भी एसिड बनेगा वो फर्दर सॉल्ट बन जाएगा, तो यहाँ पे हम एच ना शो करके एक नेगेटिव साइन शो करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो भी आपका एसिड बना है वो सॉल्ट में चेंज हो गया। ठीक है जी, और साथ में आपको सिल्वर मिल जाती है, जो टेस्ट ट्यूब के अराउंड सिल्वर मिरर बन के इकट्ठी हो जाती है वो, तो ये होता है टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है जी, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पता करना आ जाए और ये लिखा हो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है, तो ये एल्डिहाइड होगा, कीटोन नहीं। अगर नहीं दे रहा तो वो कीटोन होगा। ठीक है जी, और टॉलरेंस टेस्ट में होता क्या है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटे,
इन एसिड, इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है. दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, नॉट ऑफ कीटोन. एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का टेस्ट एक ही है, डीएनपी हम बाद में करते हैं अभी. ओके हाँ जी, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? यस, हु ऑल आर लिसनिंग? टू थ्री. चलो जी, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटे. देखो नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, ये सेमी कार्बाजाइड एंड वीक एसिड. तो सेमी कार्बाजाइड क्या है? दिस इज सेमी कार्बाजाइड, इसे कहते हैं बेटे सेमी कार्बाजाइड. ये जब सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आप अपनी बुक में देखते हो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक हम जो स्पीशीज हैं ये लेते हैं इनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करने के लिए. इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है. तो इसकी जो रिएक्शन है, देखो इसमें मैं सारी रिएक्शंस कवर करती हूँ जो इम्पोर्टेंट वाली है. देखो जैसे ये मैंने सेमी कार्बाजाइड लिया, ठीक है, ओके ठीक. अब इसकी जगह पे हम बहुत कुछ ले सकते हैं बेटे. हमने ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, अमोनिया क्या है, NH3. अब इसका आपने एक H रिमूव कर देना है, एक H रिमूव करके एक कोई Z ग्रुप है. Z कैन बी दिस वन जो हमने बनाया हुआ है, एक तो ये सेमी कार्बाजाइड है. Z कैन बी OH, इसे हाइड्रोक्सल अमीन कहा जाता है, ठीक है जी. Z कैन बी हाइड्राजीन, जिसमें हमने H रिमूव करके NH2 लेके आए हैं. Z कैन बी फिनाइल हाइड्राजीन, ये हाइड्राजीन है. अब इसका एक H रिमूव करके यहाँ पे फिनाइल ले आओ, ठीक है. Z, अब यहाँ पे हम 2,4 डाई फिनाइल हाइड्राजीन लेके आए हैं. ये सारे बेटे एक ही टाइप की रिएक्शंस हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है. ये जो रिएक्शन है थोड़ी इन्होंने जैसे लिखा आपके लिए सेमी कार्बाजाइट एंड वीक एसिड, ये जब रिएक्शन कैरी आउट करी जाती है तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया जाता है. पीएच अराउंड 3.5 अराउंड होता है इसका, क्योंकि ये एक वीक हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल है. तो ये पहले H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करता है कि कार्बन के ऊपर इंटेंसिफाई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर ले, ठीक है. तो आपने क्या किया है, आपने अमोनिया लिया, अमोनिया का एक H रिमूव किया और H की जगह पे हम Z ले आए. Z क्या हो सकता है, OH, NH2, NH और बेंजीन. NH बेंजीन के ऊपर ये भी NO2 है, आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, और ये भी NO2 है, ठीक है. इसे कहते हैं हाइड्रोक्सल अमीन, इसे कहते हैं हाइड्राजीन, इसे कहते हैं फिनाइल हाइड्राजीन, इसे कहते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन. अब ये जो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन है ये एक टेस्ट के लिए यूज होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए. अगर अल्कोहल को या किसी भी और फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड और कीटोन में से आपने अलग करना हो तो आप ये वाला टेस्ट लगाते हो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है. जब इसको आप किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी मिलते हैं, ठीक है जी. ऑरेंज येलो या रेड पीपीटी और थोड़ा सा बीच में एसिड ऐड कर दिया जाता है. तो आपने ये ध्यान रखना है, ये कोई भी आ जाए हाइड्रोक्सल, हर बारी आपने क्या करना है, ये जो NH2 है दिख रहा है आप सबको, ये NH2 दिख रहा है ना बेटे, इसका H2 निकालना है और इसका O,
इसका H2 और इसका O, तो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि ये सेमी कार्बोजाइड है तो सेमी कार्बोजोन मिलेगा, तो इसका H2 और इसका O निकालो। हरिया अब ये देखो, अब हमने ये H वैसे है, अब इसका O निकल गया, O निकल के डबल बॉन्ड यहाँ ही रह जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारे पास NNH C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है जी, आपने हर बारी अमोनिया का जो 2H बचे थे वो भी निकाल देने। ठीक है, अमोनिया के जो 2H बचे थे ना बेटे जी, वो भी निकाल देने। ठीक है, ये भी H निकल जाएगा, ये भी 2H निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे। और अगर एग्जाम में ऐसा लिखा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, इसे ब्रैडीज रिएजेंट भी कहते हैं या ब्रैडीज टेस्ट दे रहा है, तो वो क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, 2,4, अब इसकी रिएक्शन करके देखो अपने आप, आपने कुछ नहीं करना, ये 2H निकाल देंगे, खुद बना के देखो घर पे बैठ के। तो NNH और ये बेंजीन वैसे बनाओगे, और जो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी होंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट विल हैव ऑरेंज रेड या येलो पीपीटी, गॉट द पॉइंट। ठीक है जी, अगर अनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी हम कोई टेस्ट लगाएं 2,4-DNP और एग्जाम में आपके लिए लिखा हो कि इट विल गिव द टेस्ट, अब गिव भी करेगा क्योंकि आपको कोई अल्कोहल्स में से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको एल्डिहाइड कीटोन्स में से पूछेगा। अगर तो वो टेस्ट देगा वो एल्डिहाइड या कीटोन, ये एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं। और उसके बाद अगर इन्होंने लिखा हो कि ये टॉलरेंट टेस्ट भी दे रहा है, तो ये एल्डिहाइड ही है, ये कीटोन नहीं है, क्योंकि ये दोनों के लिए। अब हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो एल्डिहाइड के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वो टॉलरेंट देगा या फैलिंग देगा या बैंडिड देगा, जो भी, तो वो टॉलरेंट देगा। ठीक है, अगर ये लिखा हो कि ये ब्रेडिस टेस्ट तो दे रहा है मगर टॉलन या फैलिंग या कुछ बैंडेड टेस्ट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब वो सिर्फ कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं है, वो कीटोन है एल्डिहाइड नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन ब्रेडिस टेस्ट देते हैं, 2,4-DNP टेस्ट देते हैं जी, वॉट इट। यस बेटे, लास्ट वाले के आप बारे ऊपर लिखो, क्लियर नहीं हो रहा, लास्ट लिख लो, लास्ट दिस NH2 NH, ठीक है जी, ये NO2 यहाँ पे भी है, ये NO2 यहाँ पे भी है, तो इसे कहते हैं 2,4-DiNitro, देखो 2,1 ऐसे नंबरिंग करते हैं इसको, 2,4 ये हो गया 2,4-DiNitro, ये होगी फिनाइल, इसे कहते हैं फिनाइल, और ये होगी हाइड्राजीन। ठीक है, 2,4-DiNitro फिनाइल हाइड्राजीन, ये होगी सिर्फ बेटे फिनाइल हाइड्राजीन, और ये होगी हाइड्राजीन, होगी हाइड्रोक्सलमिन, ये NH2 हाइड्राजीन होती है, दिस पार्ट इज नोन एज हाइड्राजीन। ठीक है, जब एक बेंजीन लग जाए तो फिनाइल हाइड्राजीन, अगर बेंजीन के ऊपर 2,4 लगा दो तो 2,4-DiNitro फिनाइल हाइड्राजीन, वॉट इट। ये वाली जो चीज है, अब इसको अगर रिएक्ट करके देखो खुद, अब इसका H2 निकाल लो, इसका O निकाल लो, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, ये इसके ऊपर यहाँ पे O निकल जाएगा और यहाँ पे बनेगा NNH, ये बेंजीन, ये सारा मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा, इसे बोलते हैं हाइड्रोजोन बन गया, गॉट इट। इसके ऑरेंज रेड ये येलो पीपीटी होंगे, और ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का टेस्ट है। ठीक है जी, और सिर्फ एल्डिहाइड का जो टेस्ट होता है वो टॉलन, आपने एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं, क्वेश्चन में लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड,
अगर 2,4-DNP दे रहा है तो एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर फर्दर ये मेंशन कर रहे हैं कि ये टॉलन दे रहा है तो ये एल्डिहाइड है, नहीं दे रहा तो ये कीटोन ही है। हाँ जी, कोई डाउट बेटे? एनी डाउट? मैंने एनसीईआरटी के बेटे क्वेश्चंस करवाते हुए जो एक्स्ट्रा उसी में ही है वो करवाते जाना आपको। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर टू एवरीवन? मानसी, मयंक, तुषार, गुंजोत, भव्या, भूमिका, ध्रुव, गितेश, इश्पुनीत, मानविया, मान्या, यस। बस रेस्ट ऑफ ऑल यू आर स्लीपिंग, ओनली 2 आर लिसनिंग। चलो, नो नेक्स्ट इज बेटे, ये दे आर सेइंग एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड, ठीक है जी। तो अगर जब एक्सेस इथेनॉल रिएक्ट करते हो तो हमें कंप्लीट एसिटल मिलता है। तो अगर मैं इथेनॉल, अगर मुझे एक एक्सेस ना लिखा होता, तो अगर एक ही इथेनॉल लिखा होता तो ये जो C2H5 है, ठीक है, C2H5O नेगेटिव है, तो ये एक ही रिएक्ट करता, ये एक ही रिएक्ट करता। अगर ये दो लिखे हैं तो दोनों ही रिएक्ट कर जाते हैं, ये भी ऑक्सीजन बाहर आ जाती है, तो ये ऐसे 2 मॉइटी आप लगाओगे यहाँ पे। अगर एक्सेस में इट इज गिवन इन एक्सेस, देन यू विल बी गिविंग 2 C2H5 OC2H5 will be giving 2 OC2H5, ठीक है जी। अगर this is called acetal, अगर आपको excess ना दे के आपको simple given होता तो आप क्या लिखते इसको? Hemiacetal, सिर्फ OC2H5 लिखते। ये कम ही पूछी जाने वाली reaction है बेटे, क्योंकि ये इतनी कोई नेमिंग रिएक्शन नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना है, अगर सिंपल C2H5OH लिखा हो तो यू विल राइट ओ, अकेला ओ C2H5 लेके आओगे। अगर आपको एक्सेस में गिवन है तो आप 2 मॉलिक्यूल्स लेके आओगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl, जिंक अमलगम एंड डाइल्यूट HCl, ये और कुछ नहीं है बेटे, दिस इज अ नेमिंग रिएक्शन दैट इज नोन एज क्लिम्सन रिडक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज क्लिम्सन रिडक्शन। इसमें देखो, वैसे अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिडक्शन करवानी हो तो आप रिडक्शन करवा के एल्कोहल्स बनाते हो। अभी हमने कहा कि एल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन होती है तो बेटे आपके पास कीटोन्स बनते हैं, मगर जब जिंक अमलगम और HCl के साथ रिडक्शन होती है, इफ आई हैव, अगेन हमें यही गिवन है और हमारा रिएजेंट क्या है? जिंक अमलगम। अमलगम का मतलब होता है जब किसी को मेटल को मरकरी के साथ अलॉय किया जाता है, तो जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड अगर हमने HCl दिया है तो जो भी एल्डिहाइड है उससे एल्केन बनती है। ये रिडक्शन है, जनरली एल्डिहाइड से बेटे हमें क्या मिलती है? अल्कोहल अपॉन रिडक्शन, मगर ये स्पेसिफिक रिएजेंट जो जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इसे क्लिम्सन रिडक्शन भी बोला जाता है, क्लिम्सन रिडक्शन। इस रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको अल्कोहल ना मिलके आपको एल्डिहाइड, आपको एल्केन्स मिलती है, ठीक है, गॉट इट? जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इट्स नथिंग बट अ नेमिंग रिएक्शन दैट इज क्लिम्सन रिडक्शन, ओके। ध्यान में, पेपर में अगर ये सीधा नहीं आता कभी, जैसे अब लिखा होगा कि रिएक्ट करो, या लिखा होगा कन्वर्ट बेंजाल्डिहाइड या टॉलविन में कन्वर्ट करो, या आपको लिखा होगा कन्वर्ट इथेनल इनटू इथेन, तो जब आपको कोई ऐसा लिखा हो कि एल्केन में कन्वर्ट करना है, एल्केन में, तो आपने उसकी रिडक्शन करवानी है इस रिएजेंट के साथ।
इसके अलावा रिडक्शन होती है वॉल्व किशना रिडक्शन। अब पहले आप इसमें से बताओ डाउट है या नहीं है। हरिया